नोटबंदी से परेशान लोगों की आज और बढ़ेगी मुश्किल। आज से 3 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, अब मंगलवार को खोले जाएंगे। बैंक में आज सेकंड सैटरडे, कल रविवार और परसों ईद मिलाद की रहेगी छुट्टी। एटीएम की लाइनें और होंगी लंबी। बीती आधी रात से रेलवे, मेट्रो और बसों में भी 1500 के पुराने नोट पूरी तरह से बंद। पहले 15 दिसंबर तक मिली थी छूट, लेकिन बाद में सरकार ने इसे घटाया था। सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, एलपीजी सिलेंडर समेत 15 कामों के लिए अभी भी जारी 1500 के पुराने नोट, इन जगहों पर 15 दिसंबर तक की इजाजत। नोटबंदी के बीच चेन्नई में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक खनन कारोबारियों से करीब 106 करोड़ कैश और 127 किलो सोना किया गया जब्त। मुंबई के दादर से इनोवा गाड़ी से 85 लाख रुपए के नए नोट हुए जब्त। क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में एक गाड़ी से 29,50,000 कैश बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। कौशाम्बी से बरामद 29 लाख में 2000 के नए नोट की गड्डियां भी मिली, 14 लाख रुपए भी थे 2000 की गड्डियों की रकम। गुड़गांव में भी चेकिंग के दौरान 10 लाख की नई करेंसी जब्त। स्कूटर सवार 2 युवकों से बरामद हुआ पैसा, सभी 2000 के नए। नोटबंदी में काले धन के कई मामले सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, विभाग के 30% खाली पदों पर नियुक्ति की मांग। नोटबंदी के बाद रेलवे के माल भाड़े में भी गिरावट दर्ज, कोयला, सीमेंट और स्टील की ढुलाई में कमी। रेलवे ने कहा नोटबंदी से इसका लेना देना नहीं। मुंबई में 2 लाख करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का दावा करने वाला परिवार अचानक गायब, इनकम टैक्स विभाग तलाश में जुटा, अजमेर से बने थे पैन कार्ड। मुंबई के माटुंगा में एक कॉपरेटिव पर बैंक पर गंभीर आरोप, क्रेडिट कार्ड का लालच देकर खोले खाते, लेकिन चेकबुक पर साइन करा, दूसरों की रकम जमा कराई और निकासी की। माटुंगा के पीड़ितों का दावा, मोबाइल पर मैसेज आने पर ही उन्हें खाते में पैसा जमा होने और निकासी की जानकारी मिली। यूपी में कानपुर से 40 किलोमीटर दूर पचौर गांव में प्रधान के प्रयास से कैशलेस सुविधा की शुरुआत, ई वॉलेट के जरिए हो रही खरीदारी। नोटबंदी में टूट रहे सब्र की, आंध्र प्रदेश के नल्लोर में लिखी खौफनाक बानगी, बैंक के बाहर अफरा तफरी के बीच कुचल गई एक महिला। कैश के लिए लाइन में खड़ी महिलाओं को पुलिस ने जैसे तैसे बचाया, कुछ भीड़ के बीच रोती हुई आई नजर। नाकाफी हो रहा है बैंक और एटीएम के बाहर सुरक्षा इंतजाम, नल्लोर में सुरक्षा घेरा तोड़कर बैंक में दाखिल हो गया हुजूर। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में 12,10,000 कैश के साथ एक पोस्टमैन और उसके साथ ही गिरफ्तार, नोटों में नए पुराने नोटों की खेप शामिल। डोंट ट्रस्ट मोबाइल ऐप से एटीएम में कैश होने और एटीएम के बाहर भीड़ की घर बैठे ले सकते हैं जानकारी, ऐप डिजाइन करने वाली निधि सिन्हा ने किया दावा। कागज के मुकाबले दुगनी होगी नई करेंसी की उम्र, 10 रुपए वाले करीब 1 अरब प्लास्टिक नोटों को उतारने की योजना। बीजेपी ने मुस्लिमों के बीच छेड़ा कैशलेस सिस्टम को प्रचारित करने का अभियान, दिल्ली में मस्जिदों के बाहर लोगों को समझाए फायदे। बैंगलोर में नोटबंदी के विरोध में अनूठा प्रदर्शन, जेडीएस कार्यकर्ताओं ने एटीएम का किया अंतिम संस्कार। काले धन के कुबेरों पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक, दिल्ली के एक्सिस बैंक के 15 फर्जी खातों से 70 करोड़ की ब्लैक मनी पर छापा, 2 मैनेजर गिरफ्तार। एक्सिस बैंक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोले गए 44 अकाउंट, जमा किए 100 करोड़ रुपए, 8 नवंबर के बाद से चांदनी चौक ब्रांच में 450 करोड़ की रकम जमा। बैंगलोर में प्रवर्तन निदेशालय ने 91 लाख कैश बरामद किया, 5 दिसंबर को गिरफ्त में आए आरोपी जयचंद्रा से मिलाया था सुराग। कैशलेस प्रदेश की ओर कदम बढ़ा रहे छत्तीसगढ़ में सीएम रमन सिंह ने नोटबंदी पर वर्कशॉप का किया आयोजन, लोगों को प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल की दी जा रही है सीख। सीएम रमन सिंह ने कहा नई चीजों को अपनाने में लगता है थोड़ा वक्त, बोले शुरू में जब किसी ने मुझे मोबाइल दिया था तो मैं उसे 8 घंटे ऑन नहीं कर सका था। वडोदरा की चाय विक्रेता किरण महेड़ा की पीएम मोदी की मंशा, अपनी दुकान को बनाया कैशलेस। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर फिर चुनिंदा लोगों को नोटबंदी की जानकारी पहले से लीक करने का दिया हवाला, जवाब में बैंक को जमा रकम का दिया हवाला। आप नेता आशीष खेतान के मुताबिक 15 से 30 सितंबर के बीच सरकारी बैंकों में जमा की गई 3 लाख करोड़ रुपए की धनराशि। आशीष खेतान का दावा, सरकारी बैंकों में 3 लाख करोड़ रुपए पहले बतौर
फिक्स्ड डिपॉजिट जमा किए गए लेकिन अक्टूबर में तुड़वा दी गई एफडी। केतान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सलाहकार के मार्च महीने में लिखे लेख का दिया हवाला। लेख में नोटबंदी की आशंका में कालाधन बैंक में जमा होने और सोने की खरीदारी बढ़ने का था जिक्र। दिल्ली में नोटबंदी के समर्थन में नुक्कड़ नाटक का आयोजन, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी आयोजन में पहुंचे। नोटबंदी में दिल्ली में दरियागंज के गोलचा सिनेमा के बंद होने की उड़ी अफवाह, मालिक ने दी जानकारी, मरम्मत के लिए बंद किया गया हॉल। गाजियाबाद में एटीएम की बढ़ती लाइन को देखकर एसबीआई ने कुछ दुकानदारों को मुहैया कराई स्वाइप मशीन से अधिकतम 2000 की निकासी की छूट। आजम खान ने राज्यपाल राम नाईक को यूपी में बढ़ते अपराध के लिए ठहराया था जिम्मेदार, अपराधियों को पनाह देने का लगाया था आरोप। भारत दौरे पर आई वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गुएन थी किम, कल पीएम मोदी से की मुलाकात। बनासकांठा के दीसा में पीएम मोदी की रैली, आज नोटबंदी के बाद गुजरात में पीएम की पहली रैली, किसानों और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े 2 लाख लोगों के जुटने का अंदेशा। दीसा में पीएम मोदी 350 करोड़ के चीज प्लांट समेत बनास डेयरी से जुड़े तमाम उत्पादों का करेंगे उद्घाटन, शहद उत्पादन को भी देंगे बढ़ावा। जनवरी में भी गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, वाइब्रेंट गुजरात 2017 का करेंगे उद्घाटन। 8 साल की कश्मीरी लड़की ताजमुल इस्लाम आज पीएम मोदी से करेगी मुलाकात। ताजमुल ने किंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सब जूनियर कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। कश्मीर की मौजूदा समस्या से स्कूलों के प्रभावित होने से दुखी हैं ताजमुल, पीएम से जल्द समस्या के निपटारे के लिए करेगी अपील। अगस्ता हेलीकॉप्टर केस में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष अस्पी त्यागी गिरफ्तार, 3600 करोड़ की डील में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दबोचा, आज कोर्ट में होगी पेशी। अस्पी त्यागी के भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान भी गिरफ्तार, 423 करोड़ की घुसखोरी का मामला। 2007 में रिटायर हुए थे एसपी त्यागी, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का आरोप, कई बार सीबीआई कर चुकी है पूछताछ। सीबीआई निदेशक के अपॉइंटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, पूछा क्यों की गई अस्थायी नियुक्ति। कोलकाता में सेना के अभ्यास पर रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी को भेजी चिट्ठी, लिखा ना गिराए फोर्ट का मनोबल। एनआईए ने कब्जे में आतंकी मूसा से पूछताछ जारी, अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की टीम भी पूछताछ करने कोलकाता पहुंची। रजौरी में जंगल में लगी आग, काबू पाने की कोशिशें जारी। मुलुंड में डंपिंग ग्राउंड में फिर लगी आग, रिहायशी इलाके के करीब से डंपिंग ग्राउंड हटाने की कई बार उठ चुकी है आवाज। गया में पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर जवानों ने दिखाए तरह तरह के जौहर, हेलीकॉप्टर से उतरने के साथ मलखम पर दिखाए करतब। दिल्ली के शकरपुर इलाके में चाकूबाजी में 10वीं के छात्र की हत्या, 2 छात्र घायल, एक आरोपी पकड़ा गया। दिल्ली में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर ने लड़का लड़की को मारी टक्कर, दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के करावल नगर इलाके में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवक का घर के छत पर मिला शव, सीने और पैर में गोली लगने का निशान। लखनऊ पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को डकैती की कोशिश के आरोप में किया गिरफ्तार, 2 भाग निकलने में रहे कामयाब, कई हथियार बरामद। फरीदाबाद में 25 साल की युवती का झाड़ियों में मिला शव, पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। बिहार के सहरसा में अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए एक बेटे ने करा दी पिता की हत्या, पत्नी दोस्त और साले ने भी वारदात में दिया साथ। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक हाई प्रोफाइल शादी के दौरान 7 लाख कैश और 12 लाख के गहने चोरी, एक आईफोन भी ले उड़े चोर। सिविल लाइंस इलाके में शादी के दौरान हुई चोरी में पुलिस ने खंगाली सीसीटीवी फुटेज, नेपाल मूल की एक महिला समेत एक खास गिरोह पर है शक। यूपी के हरदोई में एक सराफा कारोबारी के दुकान से लाखों रुपए के गहने चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई 7 चोरों की तस्वीर। वर्तमान में कक्षा 4 की परीक्षा के दौरान नकल को लेकर 2 छात्राओं के बीच में मारपीट, एक घायल छात्रा ने बाद में अस्पताल में तोड़ा दम। बीरभूम के नानूर में 120 जिंदा बम बरामद, जांच में जुटी पुलिस की किसी की गिरफ्तारी नहीं।
बिल्ला में शादी समारोह में डांसर की हत्या के केस में नया वीडियो आया सामने। बिल्ला नाम के शख्स में दिखी डबल बैरल बंदूक। बिल्ला के बंदूक से छूटी गोली से ही हुई थी डांसर कुलविंदर की जान गई थी। हवाई फायरिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने से डांसर को लगी गोली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में चार नक्सलियों ने डाले हथियार, पुलिस के सामने किया सरेंडर। सरकार के कैशलेस मिशन की गुहार के बीच बदमाशों की एटीएम पर टिकी नजर, एटीएम के भीतर जालसाजी की घटनाओं में इजाफा। गया में एक जालसाज ने एक शख्स का एटीएम बदलकर खरीदे 74,000 के गहने, लेकिन दोबारा फिर उसी ज्वेलर के पास पहुंचने पर पुलिस ने दबोचा। सामने आया बॉम्बे अस्पताल में छगन भुजबल के परिवार और एनसीपी नेताओं का वीडियो, ईडी का दावा राजनीतिक मीटिंग कर रहे थे भुजबल। समाज सेवी अंजलि दमानिया ने लगाया आरोप, जेल और जेजे अस्पताल की लापरवाही का फायदा उठाकर भुजबल एक महीने बॉम्बे अस्पताल में रहे। उमरा में एक युवक के आईएसआईएस में शामिल होने का शक, युवक के भाई की शिकायत पर एटीएस ने शुरू की जांच। जबलपुर में बाल सुधार गृह से 18 लड़के फरार, गार्ड से मारपीट कर छीनी थी चाबी। यूपी के फिरोजाबाद में एक स्कूल में अचानक लगी आग, जरूरी कागजात जले। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला को अगवा कर रेप का सनसनीखेज मामला, एमएमएस बनाकर किया ब्लैकमेल। यूपी के फतेहपुर में दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटी से की गैंगरेप की कोशिश, चीख पुकार सुन लोगों की भीड़ देख भागे आरोपी। बिहार बोर्ड के 8.5 करोड़ के कॉपी टेंडर घोटाले के आरोपी दिवाकर प्रसाद की छत से गिरकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गया में नक्सलियों ने राजधानी एक्सप्रेस को बम से उड़ाने के लिए धमकी, धमकी के बाद रेल प्रशासन सतर्क। फतेहपुर में टीचर की पिटाई से 10वीं के छात्र के कान का फटा पड़ा, स्कूल के हेडमास्टर ने आरोपों को बताया निराधार। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कोचिंग से लौट रही युवती को अगवा कर 4 दरिंदों ने किया गैंग रेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। अजमेर में एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 महिलाएं समेत 6 लोग गिरफ्तार। उड़ीसा के जांजगीर में दिल दहला देने वाली वारदात, लोन की आखिरी किश्त का 100 रुपया नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी के लोगों ने बुजुर्ग को घर से बाहर निकालकर पीट पीट कर मार डाला। यूपी के सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में 17 थानेदारों पर गिरेगी गाज, वाहन चोरी के मामले दर्ज नहीं करने पर डीआईजी ने भेजा नोटिस। उत्तरी 24 परगना में पुलिस और वकीलों में झड़प, पुलिस पर एक वकील की पिटाई का आरोप। दिल्ली में अभी से क्रिसमस की धूम, एक समारोह में लेडी सैंटा ने बच्चों को बांटे उपहार, 25 दिसंबर को मनाया जाएगा क्रिसमस। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जमकर हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर नजर आ रही है बर्फ की झलकें। बर्फबारी से अरुणाचल में लुढ़का पारा, लोगों ने खुद को गर्म कपड़ों से ढका। जम्मू की कॉलेज गर्ल ईशा रातों रात बनी स्टार, बसोहली के अटल सेतु पर गाया ईशा का गाना सोशल मीडिया में वायरल, 3 दिन में 1 लाख लोगों ने देखा। करना है गुस्सा मेरी निक्की निक्की गलदा, ऐदा नहीं हो सोने पे यार चलदा, कहना चावा दिलवाली मैं। दिल्ली में लगाई गई पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बनाए चित्रों की प्रदर्शनी, समारोह में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की शिरकत। मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया का मुंहतोड़ जवाब, इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर 400 के जवाब में 1 विकेट पर 146 रन बनाए। मुरली विजय 70 और पुजारा 47 रन पर नाबाद, 24 रन पर पवेलियन लौटे के राहुल। इंग्लैंड की पारी में अश्विन ने 112 रन देकर झटके 6 विकेट, रविंद्र जडेजा को मिली 4 कामयाबी। अश्विन ने 23 बार 5 या ज्यादा लेकर विकेट कपिल के रिकॉर्ड की बराबरी की, कपिल ने 131 टेस्ट में बनाया था रिकॉर्ड, अश्विन ने 43 टेस्ट में दोहराया कारनामा। मुंबई टेस्ट में अंपायरिंग नहीं कर सकेंगे पॉल रफेल, डॉक्टर्स ने दी आराम की सलाह, भुवनेश्वर के थ्रो पर कल हुए थे क्रिकेट सपने।